माय नेम इज़ फरमान अंसारी। तो मेरी पेंटिंग में तीन भावों मैंने इसके लिए दिखाए गए हैं। जब हम जिंदगी की आखिरी दौर में पहुंचते हैं, इसमें तीन बाबा बुढ़े इसलिए दिखाए गए हैं। अगर मैं चाहता तो इसमें नौजवान या हम जैसा हम उम्र के भी दिखा सकता था, लेकिन इसमें तीन बुढ़े इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि हम जब आखिरी वक्त में पहुँचते हैं तभी हम अपनी पिछली ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालते हैं, वरना हम अभी हैं तो हम पिछली ज़िंदगी भी नहीं, हम आगे के फ्यूचर में नज़र डालते हैं। तो तीन बाबा ये सोच रहे हैं ज़िंदगी में, तो इनके सामने ये चेस बोर्ड रखा हुआ है, इसमें ये देखते हैं कि इनके सामने रखे हुए ये पास है, उनकी दाढ़ियों में फंसे हुए पास है और इनके पीछे लटके हुए ये पास है। ये बयान करते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या मकसद, क्या क्या कामयाबी हासिल की। इनके सामने चेस बोर्ड पे कुछ गोटियाँ रखी हुई हैं, वो ये बयान कर रही हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो ये अचीवमेंट, जो ये हासिल करना चाहते थे, जो काम इनके करना चाहते थे, वो कभी पूरे नहीं हो सके इनकी ज़िंदगी में। वो सामने रह गए लेकिन कभी उनको हासिल नहीं कर पाए। और जो इनकी दाढ़ियों में आप देख रहे हैं ये फंसे हुए हैं, ये वो काम है जो ये ज़िंदगी में जिस कामों में उलझे रह गए, जैसे कि हम कोई काम करते हैं उसमें हम उलझे रह जाते हैं, वो ये ज़िंदगी में उस ज़िंदगी के ये कुछ काम इनकी दाढ़ियों में उलझे रह गए, ये इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। और इसके पीछे लगे हुए ये पास है जो लटके हुए हैं, ये इनके अचीवमेंट, इनके हासिल की हुई वो चीज़ें हैं जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल कर ली। जैसे कि मेरा मकसद था कि जब से मुझे इसके एग्जीबिशन के बारे में पता चला कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन लगवानी है, तो मेरा मकसद था, 1.5 साल से मैं इसमें ट्राई कर रहा था, अब जा करके वो मेरा मकसद ही आज कामयाब हो गया। तो इसी के तरीके से इनके लगे हुए हैं ये सारी चीज़ें, उसी तरीके से मकसद इनका कामयाब हो जाता है। ये तीनों चीज़ें उस चीज़ को बयान कर